भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर बता दिया कि क्यों बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी उन्हें सर जडेजा कहकर बुलाता है। रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में जडेजा ने एक ओवर में 37 रन बनाए। जी हाँ, एक ओवर में 37 रन। इसके साथ ही जडेजा आईपीएल के इतिहास में एक ओवर में 37 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले आईपीएल 2011 में क्रिस गेल ने प्रशांत परमेश्वरन के एक ओवर में 37 रन जड़े थे। रविवार को मुंबई के वानखेड़े में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की तरफ से जडेजा ने पारी के आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की पहली गेंद पर छक्का लगाया। इसके बाद अगली गेंद पर जडेजा ने फिर सिक्स लगाया। इसके बाद पटेल ने नौ बॉल फेंकी, इस पर भी जड्डू ने सिक्स लगाया। इस तरह पहली दो गेंदों पर ही पटेल ने 19 रन दे दिए। तीसरी गेंद पर जडेजा ने फिर छक्का लगाया। चौथी गेंद पर उन्होंने दो रन लिए। इसके बाद पांचवी गेंद पर जडेजा ने फिर छक्का लगाया और लास्ट बॉल पर चौका मारकर एक ओवर से 37 रन बटोरे। जडेजा ने सिर्फ 28 गेंदों में 62 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इसके बाद जडेजा ने बॉलिंग में भी कमाल दिखाया। उन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।